तो अगर आपके ऑफर लेटर में या ज्वाइनिंग लेटर में प्रोबेशन पीरियड मेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इस चीज़ को हाइड कर लेती हैं और बहुत सारी कंपनीज में ये होता नहीं है, तो बेसिकली अगर आपके ऑफर लेटर में ज्वाइनिंग लेटर में अगर प्रोबेशन पीरियड नहीं है तो उस केस में आपका प्रोबेशन पीरियड होगा कि नहीं होगा, और होगा तो फिर कितना होगा, उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी कंपनी में प्रोबेशन पीरियड डिपेंड करता है, या कोई एक्स वाई जेड कोई एबीसी कंपनी है वहाँ पर प्रोबेशन पीरियड हर एक का अलग अलग होता है, एक डिफरेंट डिफरेंट टाइम का होता है, किसी कंपनी में 6 मंथ, किसी कंपनी में 1 ईयर, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पर होता है। तो अगर आपके ऑफर लेटर मेंशन नहीं है तो वो आपके ज्वाइनिंग लेटर में ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि आपका टोटल प्रोबेशन पीरियड है कितना। आप किसी कंपनी में 6 मंथ का होता है, किसी कंपनी में अप टू 1 ईयर का होता है। ध्यान रखना यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑन रोल की कंपनीज़ के लिए या कंपनी के पेरोल के लिए, थर्ड पार्टी के लिए मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी थर्ड पार्टी कंपनीज में आप 90% के केस में मान लो कि थर्ड पार्टी में आपको प्रोबेशन पीरियड नहीं मिलता है, वहाँ पे डायरेक्ट वो कंपनी आपको कोई एज अ थर्ड पार्टी हायर करती है, किसी क्लाइंट साइड अप्लाई करती है, या कोई एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है वहाँ से हायर किया, फिर एक बीसी कंपनी पे आपको डिप्लॉय किया, तो वहाँ पे आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी के ऑन रोल पे जा रहे हो तो वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आपका ज़रूर होता है। एंड अगर इन केस आपको नहीं पता है कि अगर आपके ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर में आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो आप वो चीज़ ज्वाइनिंग के बाद अपने एचआर से भी बात कर सकते हो, अपने मैनेजर से भी बात कर सकते हो कि एग्जैक्टली प्रोबेशन पीरियड कितना है मेरा यहाँ पे, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में जो आपके ऊपर टर्म एंड पॉलिसीज लगी होती हैं, जो रूल्स लगे होते हैं कंपनी की, वो डिफरेंट होते हैं। एंड प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो कंपनी के टर्म एंड पॉलिसी आपके ऊपर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर हो सकता है। हो सकता है कि आपका प्रोबेशन पीरियड में नोटिस पीरियड 1 महीने का हो रिजाइन डालने के बाद, लेकिन जैसे ही आप कंपनी के कंटिन्यू एम्प्लॉय होते हो या फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाते हो, या प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में हो सकता है आपका जो नोटिस पीरियड है या जो रेजिग्नेशन पीरियड है वो हो सकता है आपका 3 मंथ्स का हो जाए या 2 मंथ्स का हो जाए। बट इन केस प्रोबेशन पीरियड वो कहीं ना कहीं टर्म एंड पॉलिसी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं ये सारी कंपनीज़ का नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ 90% कंपनीज में ये होता है कि जब तक आप प्रोबेशन पीरियड पे रहते हो आपका जो नोटिस पीरियड है, रेजिग्नेशन पीरियड है, वो स्पेशली कम होता है, 1 मंथ का होता है या 2 मंथ्स का होता है, फिर फुल टाइम होने पे वो एक्सटेंड हो जाता है या बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, फिर आप पे कंपनी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशन आप पे अप्लाई हो जाते हैं। तो अगर आपके ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन नहीं है तो आप अपने एचआर से पूछो, अपने मैनेजर से बात करो, अगर वो मना करते हैं आप उनसे ईमेल पे ले लो कि आपका कंपनी में कोई भी प्रोबेशन पीरियड नहीं है। वैसे जनरली अगर ईमेल पे नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि ये चीज़ एचआर ओपन बता देते हैं, तो आप डायरेक्ट जाके एचआर से बात कर सकते हो कि प्रोबेशन पीरियड कितना, अगर वो बोलते हैं कितना है तो फिर उतना हो सकता है, अगर बोलते हैं नहीं मेरे यहाँ प्रोबेशन पीरियड का कोई ऐसा स्कोप नहीं है तो फिर आप समझ लेना कि आपका वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।